अब देखते हैं हम लोग 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन। वर्टेक्स कहां पे भैया, ओरिजिन पे है, और उसका जो एक्सिस है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है। मतलब ये पैराबोला कुछ ऐसा होगा जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है और एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। अच्छा, तो इस पैराबोला की जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, इस पैराबोला की जनरल इक्वेशन मेरे पास होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब देखना इस इक्वेशन में मेरे पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट है जो कि a है, तो लेकिन अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए तो वो कितने ऑर्डर का होगा, वो 1 ऑर्डर का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। अच्छा, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम dy बाय dx वाला टर्म होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा डेरिवेटिव वाला टर्म नहीं होना चाहिए। अब देखना, अब अगर मुझे dy बाय dx चाहिए तो मुझे इस इक्वेशन को दोनों साइड डिफरेंशिएट करना होगा। दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, यहां कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4a इनटू dy बाय dx। देखना ये 2 हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इनटू इनटू कितना, इनटू 1, और नीचे कितना 2dy बाय dx इज इक्वल टू a। ठीक है, तो ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई। अब इस a की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा ताकि मेरे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इनटू x, नीचे कितना 2dy बाय dx, तो ये 2 हो जाएगा और एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2a बाय dy बाय dx, यानी कि मेरे पास dy बाय dx इंटू एक्स इज इक्वल टू 2a रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देख लेते हैं 15th नंबर क्वेश्चन। 15th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्सेस हैविंग फोकी ऑन द वाई एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। अच्छा, आपको एक ऐसे फैमिली ऑफ इलिप्सेस की डिफरेंशियल इक्वेशन को बताना है जिसका फोकी कहां है, y एक्सिस पे। फोकी अगर y एक्सिस पे है तो मतलब ये कुछ ऐसा एलिप्स होगा, ठीक है, वर्टिकल एलिप्स होगा, और सेंटर कहां पे भैया, 0, 0 पे, मतलब ओरिजिन पे। तो ये एलिप्स मेरे पास कैसा होगा, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि यही तो एलिप्स की इक्वेशन होती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, इसमें 2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, कौन कौन से, a और b। तो मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर 2 होगा। अगर उसका ऑर्डर 2 होगा तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव के टर्म कौन से होंगे, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा ताकि मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाए, हाँ करना तो होगा। तो एक बार काम करते हैं, पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास, देखना 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 1 तो कॉन्स्टेंट इसलिए इसका 0 हो जाएगा। अब देखना 2x बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, देखना 2 से 2 कट जाएगा, यहां कितना हो जाएगा b स्क्वायर x नीचे माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब देखना जैसे ही मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई, इसके बाद मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकाल सकता हूं, और वो निकालने के लिए चलते हैं हम लोग अगले पेज पे। ठीक है, अब अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो एक साइड तो मेरे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरे साइड डिफरेंशिएट करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो मेरे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन मैं अब थोड़ा चालाकी करता हूं, क्या यहां मैं लिखता हूं माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स, और यहां लिखता हूं डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई। अब अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूंगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूं, अगर इस साइड में डिफरेंशिएट करूं तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसको मैं एज इज लिख सकता हूं, और एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। अब मैं इधर करता हूं, सबसे पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स का करता हूं, तो वो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और वाई को एज इज प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और वाई का कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और एक डी वाई बाई डी एक्स पहले से था इसलिए डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखना क्या ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट तो है ही, मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो इस आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाने के लिए मैं सहारा लूंगा इस इक्वेशन का। यहां से मेरे पास माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स बाई वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है, तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई बाई एक्स। तो अब इस जगह मैं माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की जगह डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई बाई एक्स लिखने वाला हूं, तो यहां कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई बाई एक्स, यहां डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस में कितना डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अभी लिख लेते हैं,
यहां एक काम करता हूं मैं, इस x को मैं उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाता हूं, तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास देखना, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस में कितना वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये फाइनली मेरे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यानी कि 16th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोलास हैविंग फोकी ऑन द एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो मेरे पास जो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब जरा मैं इस हाइपरबोला का इमेज ही बना देता हूं आपको, मतलब इसका कर्व भी बना देता हूं, कैसा इसका कर्व होगा। आपसे क्या बोला जा रहा था कि इसका फोकी जो है वो एक्स एक्सिस पे होगा और सेंटर जो है वो ओरिजिन पे होगा, मतलब ये कुछ ऐसा हाइपरबोला होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता हाइपरबोला दिखता कैसा है, हाइपरबोला के इक्वेशन से उसका कर्व कैसे बनाए, तो आप छोड़ो सब बातों को, बोर्ड में ये सब नहीं आने वाला, बोर्ड में बस आपको इतना पता होना चाहिए हाइपरबोला का कर्व का इक्वेशन क्या होता है, तो वो आप जान लो। अब हम लोग आगे का काम करते हैं, और आगे का काम हमारा ना हाइपरबोला की इक्वेशन से होने वाला है ना उसके कर्व से होने वाला है, सिंपल डिफरेंशिएशन से होने वाला है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, इसमें दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, कौन कौन से, एक तो ए एक बी, तो इसका मतलब जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, टू, तो उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा, तो सबसे पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास देखना, टू एक्स बाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस टू वाई बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वन कॉन्स्टेंट था, तो यहां से मेरे पास टू एक्स बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा। अब यहां देखना, यहां कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं फिर से दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूं, यहां कितना हो जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहां हो जाएगा मेरे पास देखना y का कितना हो जाएगा dy by dx, और dy by dx पहले से था, तो यहां पे मेरे पास हो जाएगा dy by dx का होल स्क्वायर प्लस y को as it is छोड़ देता हूं और dy by dx का फर्दर डिफरेंशिएशन करता हूं, तो कितना हो जाएगा मेरे पास d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। अब देखना क्या ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, नहीं, क्योंकि यहां पे आर्बिट्री कांस्टेंट तो है। अब इस आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाने के लिए मैं इस वाले इक्वेशन का सहारा लूंगा, यहां से मेरे पास बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स और यहां डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की जगह ये पुट करूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, जो कि मैं अगले पेज में करने वाला हूं। अब मैं यहां पुट करता हूं उसको, तो ये कितना हो जाएगा वाई बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्स को उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जा रहा हूं, तो यहां कितना हो जाएगा वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसको जरा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहां कितना हो जाएगा मेरे पास एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है,